फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार पर पुलिसकर्मियों ने गंभीर आरोप लगाया है। वज्रवाहन के साथ जिन पुलिसकर्मियों की तैनाती फुलवारी शरीफ इलाके में की गई है, उन्होंने पटना एसएसपी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार विधि व्यवस्था की ड्यूटी ना लेकर पैर दबाने, शरीर में तेल लगवाने, कपड़ा साफ करवाने जैसे काम करवाते हैं। पुलिसकर्मियों ने भी एक वीडियो बनाकर पटना एसएसपी को भेजा है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करवाई गई है और सरकार को जांच प्रतिवेदन भेजा गया है। गया में देश के सबसे बड़े रबर डैम को पूरी तरह से वर्ष भर स्वच्छ और सुंदर रखने की अब कवायद की जा रही है। रबर डैम की तलहटी में जमे गाद को निकाला जाएगा, साथ ही उसमें गिरने वाले नालों को भी बंद किया जाएगा। ये बातें समाहरणालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कही। उन्होंने कहा कि फल्गु नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर प्रवाहित नालों को कंडी नवादा के पास गिराया जाएगा, जहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। जल संसाधन विभाग ने काम के लिए एक नई योजना तैयार की है। इस काम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिकल्पना के अनुसार गया जी डैम जो बना है, इसमें हम सब लोग देखे हैं कि पितृपक्ष में जो तीर्थ यात्री बाहर से जो लोग आए हैं कितने प्रसन्न होकर के लौटे हैं और लोगों को बहुत फायदा मिला है। उद्देश्य ये है कि साल भर पानी उसमें रहे, लेकिन उसमें अभी कुछ और काम कार्य करने के बाकी रह गया है। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश था कि सीता पथ, जो सीता कुंड से गया जी डैम के बीच में जो कच्ची रास्ता है, उसका पक्कीकरण करना है ताकि लोगों को आने जाने में और सहूलियत होगी, और उसका नीचे जो नाला गिर रहा है उसको पूरी तरह अच्छे नाला बना करके निकासी की व्यवस्था करना है ताकि मोहल्ला लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हो। इन कामों के लिए अभी पानी वहाँ से निकाला जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से आम जनता को कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में गया जी डैम को और बेहतर स्वरूप देने के उद्देश्य से पानी निकाला जाएगा और वहां पर जो बचे हुआ काम है इस बारिश के पहले कर दिया जाएगा ताकि पानी निरंतर स्टोरेज का व्यवस्था रहेगा और आने वाले पितृपक्ष और सामान्य टाइम में भी लोगों को, तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 फरवरी से हम पार्टी की गरीब जन संपर्क यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के नेतृत्व में नवादा जिला के लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मस्थली सेखो देवरा से शुरू होगी, जो नवादा में दो दिन तक रहेगी और 13 को शाम बाणगंगा होते हुए गया जिला में प्रवेश कर जाएगी। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने गरीब जन संपर्क यात्रा की रूपरेखा की जानकारी दी। जीतन मांझी इसलिए हैं कि उन्होंने शराब का अपने जीवन में सेवन नहीं किया, तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि भाइयों, आप यहाँ पर हैं और इस तरह की बुराइयों से आप लिप्त हैं, उससे उभरिए, क्योंकि जो आपने अपने जीवन में कमाया है, रोज जो कमाते हैं उसका एक पार्ट आप उसमें दे देते हैं, तो जो आपके बच्चे का अधिकार है, जो शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, जो संस्कार उसको मिलनी चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं, सम्मान के साथ समझौता कर रहे हैं, तो जो सम्मान की रक्षा के लिए, उनको विकसित होने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए इस चीज़ से दूर होना चाहिए। थोड़ा सा जब लगता है किसी को कोई चीज़ में काम कर रहे हैं, लग रहे हैं, शराब सेवन कर रहे हैं, तो छोड़ने में थोड़ा सा कष्ट होता है, उस कष्ट को झेलना होगा, कष्ट के दौर से भी गुजर रहे हैं, जिस दिन ये झेल जाएंगे अपने आप देखिएगा एक स्वस्थ समाज की रचना होगी, और उनका भी वही अधिकार है जो सब समाज का अधिकार है इस राज्य में।